दोस्तों, कंप्यूटर जब हम यूज़ करते हैं सो उसमें बहुत तरह के प्रॉब्लम आ जाते हैं जिसको सॉल्व करना मुश्किल होता है। सो उस समय हमें दो ही ऑप्शन लगते हैं कंप्यूटर को फॉर्मेट करने। सो विंडोज़ जो हमारा इंस्टॉल होता है, विंडोज़ 8 हो, विंडोज़ 10 हो, उसमें अगर प्रॉब्लम होता है, न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करना होता है, उसके लिए हमें पेन ड्राइव हो या एक सीडी चाहिए जिसकी मदद से हम अपने कंप्यूटर को फॉर्मेट करके न्यू विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं। लेकिन विंडोज़ हमें नहीं डालना है, हमारे जो भी कंप्यूटर में एक वायरस आया हो या कोई प्रॉब्लम हो गया हो जो कि इधर आता हो, उसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो उसके लिए हमें दो सिंपल स्टेप फॉलो करना होगा। एक फैक्ट्री रीसेट करके जो हमारा, जहां हम बिना डाटा अपना डिलीट किए हुए भी उसको कर सकते हैं, और उससे भी नहीं होता सो हम अपने कंप्यूटर को फाइनली फॉर्मेट कर सकते हैं पर्टिकुलर कोई डिस्क को। सो हम आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव को या डी ड्राइव को, किसी भी पर्टिकुलर या दो ड्राइव को कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं जिस ड्राइव में वायरस आया हुआ है। तो जानेंगे पूरा ट्यूटोरियल इस वीडियो में। गाइस, मेरा नाम है राजेश मौर्य, आप देख रहे हैं टीजीएस स्मार्ट टेक यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट कर लेना है। रीस्टार्ट करने के बाद आपको जो भी डिस्क में फॉर्मेट करना है उसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेटिंग्स में आकर आपको यहाँ पे अपडेट पे जो क्लिक होता है, यहाँ पे क्लिक करना है अपडेट वाले सेटिंग्स पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिकवरी का एक ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको सबसे टॉप में दिखता है रीसेट दिस पीसी। सो गेट स्टार्टेड पे हम क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे चूज एन ऑप्शन, हमारे पास दो ऑप्शन है, कीप माई फाइल्स यानी कि आपके सेटिंग्स को केवल रीस्टार्ट कर किया जाएगा, आपका फाइल रहेगा, और रिमूव एवरीथिंग है, यहाँ पे आपके सारे डाटा जिस भी पर्टिकुलर डिस्क का आप सेलेक्ट करना चाहें उस पर्टिकुलर डाटा पूरा डिलीट हो जाएगा। सो यहाँ पे एडिशनल जो सेटिंग्स है आपको दिया गया है कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से कि आपको कौन सा डिस्क फॉर्मेट करना है। सो यहाँ से आप अपना कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि इसमें अपना फाइल और फोटो जो भी है वो आपका सारा डिलीट हो जाएगा। सो यहाँ से हम क्लिक कर देते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं रेडी हमारा प्रोसेस हो रहा है, रेडी टू रीसेट दिस पीसी। और आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि आपको कितने डिस्क को सेलेक्ट किए हैं, वरना आपके सारे डाटा लॉस हो सकते हैं। सो इस बात को ध्यान में रखें। उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। सो यहाँ पे प्रिपेयर टू रीस्टार्ट का यहाँ पे हो गया, प्रिपेयरिंग कर रहा है और हमारा सिस्टम जो है रीस्टार्ट होगा, उसके बाद फैक्ट्री रीसेट होना चालू हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा, मैंने इस वीडियो को फास्ट कर दिया है सो आप देख सकते हैं। सो इस प्रोसेस में आपको टाइम लग सकता है 1 से 2 घंटे, अगर आपका पूरा डिस्क है तो 2 घंटे से अधिक भी टाइम लग सकता है। इस बीच में आपके कंप्यूटर या लैपटॉप का पावर नहीं ऑफ होना चाहिए, वरना आपका जो भी सिस्टम है क्रैक कर सकता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इंस्टॉलिंग प्रोसेस हो रहा है। इंस्टॉलिंग प्रोसेस होने के बाद में आपको यहाँ पे सेटअप अप करना है, आपका ऑलरेडी फॉर्मेट हो चुका है। सो यहाँ पे आपको जो भी रीजनल है उसको सेलेक्ट करना है, यूनाइटेड स्टेट। उसके बाद यहाँ पे राइट कीबोर्ड लेआउट आपको इंग्लिश सेलेक्ट कर लेना है, US फर्स्ट रहेगा। उसके बाद फिर से यहाँ से एक और आप ऐड करना चाहते हैं, ऐड लेआउट पे क्लिक करके इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐड करने के बाद यहाँ से आपसे इंटरनेट कनेक्शन पूछा जा रहा है, इसको आप स्किप कर सकते हैं और यहाँ से भी आप कंटिन्यूज कर सकते हैं। सारा कुछ सेटअप है और यहाँ से लाइसेंस, जो हमारा जो प्री इंस्टॉल लाइसेंस एक्टिव रहता है वो रहता है। और यहाँ पे आपको पीसी का जो प्रोफाइल नेम है वो टाइप करना होता है। सो यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर सकते हैं, विंडोज़ 10 जो भी टाइप करना है वो टाइप कर सकते हैं। टाइप करने के बाद यहाँ से आपको एक मेमोरेबल पासवर्ड चाहिए जो कि 4 डिजिट या 5 डिजिट का होना चाहिए, जो कि आपके कंप्यूटर को ऑन होते समय मांगा जाता है। सो यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आपसे 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सो आप अपने टाइप करके यहाँ से 3 क्वेश्चन फिल कर सकते हैं। प्रोसेस करने के बाद यहाँ से आपको डू मोर एक्सेस ड्राइव एक्टिविटी नो कर दें और यहाँ से एक्सेप्ट कर लें, यहाँ से डिजिटल असिस्टेंट है इसको एक्सेप्ट कर लें। एक्सेप्ट करने के बाद इसको भी एक्सेप्ट कर लें, जो भी प्राइवेसी पॉलिसी है सारा ऑन है। उसके बाद आपका जो पीसी है वह ऑन हो जाएगा और आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में जो भी प्रॉब्लम था वह सही हो गया होगा। और इसमें कुछ टाइम लगेगा, 1 से 2 मिनट, और आपका पीसी और कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं हो रहा है सो आप अपने नियर बाई कोई भी शॉप में संपर्क कर सकते हैं, या आप न्यू विंडो इंस्टॉल करके भी देख सकते हैं, तब आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। सो यहाँ पर नॉर्मल माइनर प्रॉब्लम होता है, इस तरह करने से आपका कंप्यूटर का सॉल्व हो जाता है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और भी इस तरह के वीडियोज़ देखने के लिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।